दिल्ली में 26 जनवरी को किसान और पुलिस के बीच हुए हंगामे से संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को अलग कर लिया, तो कल गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे वीएम सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया, साथ ही अपनी तरफ से आंदोलन को खत्म कर दिया। जबकि राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस और सरकार पर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 26 जनवरी को दिल्ली में अन्नदाताओं और पुलिस के बीच हुए हंगामे के बाद कल दिन भर आरोपों और सफाई का दौर चलता रहा। सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की शांति भंग करने की घटना से खुद को पूरी तरह से अलग करते हुए बयान दिया कि उन्होंने अपना मार्च तय रूट पर निकाला था, तो वहीं नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। तो दूसरी तरफ वीएम सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को अलग करते हुए अपनी तरफ से किसान आंदोलन को खत्म करने का निर्णय लिया। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं ले लेती, साथ ही एमएसपी पर गारंटी वाला कानून न बना दे। लेकिन इन सब के बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने गाजीपुर का माहौल खराब कर दिया है, लाइट बंद कर दी है, डर का माहौल बनाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहां रात में जाग रहे हैं। प्रशासन चाहता है कि हमारा आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। टिकैत ने दिल्ली पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के सवाल पर कहा कि दिल्ली पुलिस अगर जांच को ज्वाइन करने के लिए बुलाएगी तो जरूर जाएंगे। किसान नेताओं के ऊपर हुए एफआईआर को लेकर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन को खत्म करने की सरकार की चाल है। कुछ किसान संगठनों द्वारा प्रदर्शन वापस लेने पर राकेश टिकैत ने कहा कि उनका यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों का आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।